पनिका जाति मध्य प्रदेश के 12 जिलों में अनुसूचित जनजाति में आती है और बाकी 40 जिलों में ओबीसी में आती है। अब 12 जिलों में अनुसूचित जनजाति में आने के कारण वो लोग काफी विकसित हैं, वहीं दूसरी ओर इस जनजाति के लोग 40 जिलों में अति पिछड़े हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार क्षेत्रीय बंधन को समाप्त नहीं कर रही है। पनिका समाज के दो वर्गों में बटे होने के कारण भेदभाव उत्पन्न हो गया है। समाज के अंदर शादी विवाह मृत्यु संस्कार में भेदभाव है। 12 जिलों में पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलता है, जिसमें वहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, तो वहीं 40 जिलों में कोई लाभ न मिलने से अति पिछड़ापन है। उतने 40 जिलों के संबंध में पनिका समाज के सदस्यों ने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से क्षेत्रीय बंधन को समाप्त करने की मांग की, लेकिन आज तक सरकार ने इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया। जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2009 में ये आदेश दिया था कि संपूर्ण पनिका जाति को प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी डाला जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने क्षेत्रीय बंधन को समाप्त नहीं किया है। वो गैर आदिवासी होते हैं, ओबीसी होते हैं, लेकिन मंडला जिला से या डंडोरी जिला से या बालाघाट से जो लड़की शादी होकर शहडोल उमरिया जाती है, तो उसके जो बच्चा वहाँ पैदा होते हैं वो आदिवासी होते हैं, लेकिन वो लड़की आदिवासी ही रहती है। तो ये जो हमारे सामाजिक स्थिति में जो ये भेदभाव सरकार के द्वारा पैदा की गई है, ये समाज के लिए बेहद ही दुखदायी है और बेहद ही भेदभावपूर्ण है। इसको तत्काल समाप्त किया जाना उचित होगा, समाज के हित में होगा। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ये जो पनिका जाति है पूर्ण रूप से आदिवासी है, इसके हरे अनेक प्रमाण हैं, अनेक जो जातियां हैं आदिवासी के, गोंड है, पठारी है, प्रधान है और धोबा जाति है, इनके सरनेम से बघेल, सोनवानी, छांटा, धुरवे, धुरवा, ये सबसे मिलती जुलती है और इनके खान पीन, रहन सहन भी एक जैसा है और ये किसी प्रकार से मतलब आदिवासियों के कल्चर से बाहर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक समान 12 जिलों के भांति आदिवासी ही बनाया जाए, आदिवासी घोषित किया जाए, क्षेत्रीय बंधन को समाप्त किया जाए। 1976 में जो संशोधन बिल क्रमांक 108 आई है, क्षेत्रीय बंधन समाप्त आई है, जिसके तहत भेदभाव मिटाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में पनिका जाति के साथ में आज भी भेदभाव है, वो नहीं लागू किया गया है। वो लागू किया जाए और इनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी स्थिति में, रोजगार सभी स्थिति में समाज को आदिवासी वर्ग के वो फायदा दिया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।